हेलो स्टूडेंट्स, तो 26 तारीख की फर्स्ट मीटिंग का हम आपको एक रिव्यू देने जा रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर बताने जा रहे हैं। अपना जिन्होंने 26 तारीख की फर्स्ट मीटिंग का दिया हो वो मिला लेंगे, और 27 तारीख तो अब 3 बजे से है तो वो भी स्टूडेंट्स देख लेंगे, और आने वाले एग्जाम देंगे 27 तारीख वाले भी अपना देख लेंगे। देखिए कैसे पूछे गए थे, हम आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था? तो इसका उत्तर होगा आपका क्या होगा, सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आंसर क्या होगा, सी है। चलिए, सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ था भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा को निम्नलिखित में किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अजय बंगा को कौन सा नियुक्त किया गया है, ये आपको विश्व बैंक का ऑप्शन नंबर सी। देखिए अजय बंगा का ये हमने आपको करंट अफेयर का जो जनवरी से आपको जून तक शुरू किया था, 15 जून तक 2023 तक, उसका ये प्रश्न हमने पढ़ाया था। विश्व बैंक के इनको अजय बंगा को अध्यक्ष बनाया गया है 14वें, ठीक है। तो अजय बंगा को बनाया गया है 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक का, सी नंबर ऑप्शन। अगला है, भूपेन हजारिका सेतु किसे ढोला सदिया पुरस्कार भी कहा जाता है? किस नदी पर जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल है? तो भूपेन हजारिका सेतु कहाँ है सबसे लंबा पुल जो, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर बी, लोहित में है। कहाँ है, लोहित में, ठीक, बी है आपका। नेक्स्ट देखिए, किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है? कहाँ हुई है अदृश्य गैलेक्सी की खोज, 104 नंबर प्रश्न है, ये हुई है इटली में, डी ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। देख लीजिए, पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया है? जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ की हुआ है, 125 का है आपका, बी राजस्थान में, ये बी है। ये भी प्रश्न हमने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया है, राजस्थान में जल जन अभियान का प्रारंभ हुआ है। किस राज्य में मेरा रुख मेरी संतति नहीं हरित पहल की शुरुआत की, मेरो रुख मेरो संतति की शुरुआत कहाँ हुई, 106 नंबर प्रश्न, ये हुई आपकी सिक्किम में, ए ऑप्शन आपने लिखा है सिक्किम, तो सही है। देख लीजिए कैसे करंट अफेयर क्वेश्चन आ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? ठीक है, कौन सा देश बढ़ावा दे रहा है, तो ये आपका है सी, श्रीलंका, ठीक। श्री रामायण से जुड़े हुए स्थलों को पर्यटन के लिए बढ़ावा दे रहा है श्रीलंका। अगला देखेंगे, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या है, भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? इंडियन आर्मी द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये आपका स्थापित है जम्मू में, ठीक है, डी ऑप्शन नंबर डी है। अगला है, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण की सुविधा उद्घाटन किया, ये है आपका झांसी में, उत्तर क्या, डी। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत, स्पेस छूटा है, जिलों में जिलेवार खेलों को ODS एक जिला एक खेल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली है, कितने जिलों के लिए सहमति ली है, तो यह है आपका 10 जिलों के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 जिलों के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली है, ऑप्शन क्या है, सी है। अगला देखेंगे, ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? ऑपरेशन सद्भावना कहाँ शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है लद्दाख में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑपरेशन सद्भावना, ये भी हमने आपको बताया है प्रश्न, हमारी करंट अफेयर जो 6 महीने की हमने पढ़ाई थी उससे बहुत क्वेश्चन मिले हैं इसमें, ना हो आप वीडियो देख लीजिएगा, 6 महीने की हमारी करंट अफेयर, ऑपरेशन सद्भावना कहाँ, लद्दाख में। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया गया है? तो सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन कहाँ किया गया है,
देखिए हमारा एक स्टेट है कर्नाटक, इसमें हुआ है, कर्नाटक में हुआ है सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन। ए लगाया है यदि आपने फर्स्ट शिफ्ट वालों में किसी ने, तो उसका आंसर सही है। अगला, जब नकद आहरित अनुपात CRR RBI CRR द्वारा बढ़ाया जाता है तो क्या हो जाता है, तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, बी आंसर आपका है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकण हस्तांतरित प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है? कहाँ शुरू की गई है, किन किन जिलों में? तो इन जिलों में से नाम बताने थे आपको। ये देखिए शुरू हुई है, इसके लिए चयनित जिले हैं लखनऊ, यहाँ पर तो दिया हुआ है लखनऊ। तो लखनऊ में कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है, इससे उनके जीवन के विभिन्न चरणों में उनको मतलब एक निश्चित अवस्था पार करने के बाद उनको सशर्त रोकड़ यानी कि उनको धनराशि दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या है, सामाजिक समानता का क्या अर्थ है, ये पूछा गया था। बहुत सरल था, ये समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, तो आपका डी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्या था आपका, देखिए विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि इसे कहते हैं वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, कब मनाया गया विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, कब मनाया गया? देखिए ये मनाया गया था, ऑप्शन नंबर क्या है, क्या लिखा आपने, अगर आपने 20 मार्च लगाया है तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक, तो विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 20 मार्च। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछा गया था, पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है, पशुपति मोहर किस स्थल से मिली है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, डी से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, पशुपतिनाथ की मोहर जो है ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो से मिली है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बैकांग थाईलैंड में APPU एशियन पैसिफिक कोस्टल यूनियन का प्रभार लेता है, कौन सा प्रभार लेता है, APPU का प्रभार कौन लेता है, ये बताना था। तो इसके लिए कौन होगा, फ्रांस इटली आयरलैंड, आपने भारत लगाया है तो आप बिल्कुल सही हैं, डी ऑप्शन भारत होगा हमारा, इंडिया। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है, नदी द्वीप द्वीप कौन से किस राज्य में स्थित है, ये है देखिए असम में, असम में नदी द्वीप स्थित है, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर है हमारा सी ऑप्शन असम, असम में सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी, अरे तो प्रश्न स्टैटिक जीके का आ गया, बहुत सरल है, क्या लिखा आपने, शरीर की सबसे छोटी हड्डी ये है आपकी स्टेपीज बोलते हैं, सबसे बड़ी कौन सी है, फीमर, सबसे छोटी स्टेपीज सी। ठीक है, सभी विद्यार्थी प्रश्नों को देख लें ठीक से, रकाब सबसे छोटी हड्डी है, स्टेपीज बोलते हैं इंग्लिश में, रकाब हिंदी में। अगला एक क्वेश्चन देखिए केमिस्ट्री से आ गया है, लाफिंग गैस का सूत्र पूछ लिया गया है, इसको क्या कहते हैं, लाफिंग गैस को क्या बोला जाता है, इसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, सी लाफिंग गैस क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। अच्छा, सूत्र कैसे, N2O है इसका। ठीक, हम सूत्र भी लिखे देते हैं, हो सकता है नेक्स्ट मीटिंग में आपका पूछ लिया जाए लाफिंग गैस का सूत्र क्या है, N2O। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, रेड BC RBC के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, ये बताना था। देखिए RBC के लिए विटामिन B12, ठीक है, B12 हम लिखे देते हैं, B12 जरूरी है, डी ऑप्शन।
नेक्स्ट देखिए, मिसमी जनजाति भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य के निवासी हैं? एक जनजाति पूछी गई है मिसमी, तो ये कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के हैं मिसमी? ये हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन, ठीक, अरुणाचल प्रदेश की हैं मिसमी जनजाति। नेक्स्ट देखिए, गारो और खांसी किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएं हैं? गारो खांसी से संबंधित कौन सा राज्य है? ये है मेघालय, ए ऑप्शन। मेघालय राज्य की सहयोगी भाषाएं हैं कौन सी, राजभाषाएं हैं गारो और खांसी। निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? डिपोजिटरी, लार्जेस्ट डिपोजिटरी, सबसे बड़ा निक्षेपागार वर्तमान में जो कार्यरत है कौन सा है? यह है आपका डी ऑप्शन है, क्या नाम है, NSDLD, जो NPS मिलती है ना, नई पेंशन स्कीम जो लागू हुई है वो NSDL के थ्रू होती है। तो सबसे बड़ा डिपोजिटरी प्रेजेंट टाइम में जो वर्क कर रहा है वो NSDL है, ठीक है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? पंचायतों की शक्तियों का वर्णन, ये प्रश्न हमने आपको अपने चैनल पे बताया है, समझाया है। ये है ऑप्शन नंबर डी, 11वीं अनुसूची। क्या नंबर, मतलब 11वीं अनुसूची, डी हो जाएगा उत्तर आपका, उत्तर डी। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपकी सी, ठीक है, राजस्थान। मथानिया मिर्च भी हमने राजस्थान, ये भी क्वेश्चन हमने आपको बताया है करंट अफेयर में, मथानिया मिर्च राजस्थान से संबंधित है। पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? इनको हम कहते हैं, देखिए हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है, हाइड्रो, हाइड्रो, हाइड्रोफाइट, ए नंबर ए, जो पानी में दबाव के कारण उग जाते हैं उन पौधों को, उनको कहते हैं हम हाइड्रोफाइट, देखिए ये कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? ये आपका सही कह रहे हैं डी ऑप्शन, 133, डी ऑप्शन आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, 338 अनुच्छेद। निम्न कौन सी पांचवी श्रेणी के कंप्यूटरों की नींव है? पांचवी श्रेणी के कंप्यूटरों की नींव कौन सी है, कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन, ये हो जाएगा बी नंबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? टोडरमल, एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया मुगल काल का, टोडरमल को कौन सा पद मिला हुआ था, मतलब ये मिला था डी नंबर है, मुशरिफ ए दीवान का मिला हुआ था, डी ऑप्शन। कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? कलमकारी चित्रकला का संबंध, तो ये है आपका नंबर डी ऑप्शन है, क्या है, दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा, क्या मतलब, डी ऑप्शन। कलमकारी चित्रकला क्या है, डी ऑप्शन लिखा जो है, दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा, सी नहीं है, बी नहीं है, ए नहीं है, कलमकारी। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य के संस्थापक पूछे गए थे कौन थे? दक्षिण भारत के राजाओं का साम्राज्य चोल साम्राज्य, इसके संस्थापक कौन थे? यह है आपका बी ऑप्शन, विजयालय चोल, हम अंडरलाइन भी कर देते हैं, लिख भी दे रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? बहुत इजी प्रश्न आया था,
चौरी चौरा घटना कांड, जिसमें पुलिस वालों को एक थाने में बंद करके जला दिया गया था, 22 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई थी, इससे आहत होकर के चौरी चौरा कांड का इसमें नाम दिया गया था। ठीक है, गांधी जी ने अशोक आंदोलन वापस ले लिया था, तो इस घटना को कहते हैं हम चौरी चौरा घटना। ये कहाँ, चौरी चौरा का नामक स्थान कहाँ है, गोरखपुर में है। ठीक है, तो ये चौरी चौरा घटना थी। थोड़ी सी डिटेल भी कुछ बता दे रहे हैं आपको पॉइंट। अगला देखिए, ब्लिट्स नामक शब्द निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है ब्लिट्स, ब्लिट्स नंबर से संबंधित है हमारा, किस में आता है ब्लिट्स शब्द, ये आता है शतरंज में, BLITZ किससे संबंधित है, शतरंज से। दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया, देखिए वो ट्रेन भी आ गई जिसमें ड्राइवर नहीं होगा, किस देश में, ये है आपका जर्मनी में, जर्मनी में आ गई ट्रेन, अब बिना ड्राइवर की चलेगी ट्रेन जर्मनी में। नेक्स्ट, छठवीं से चौदहवीं शताब्दी तक निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली राजजनपद था, अच्छा छठी से लेकर आपको चौदहवीं तक पूछा गया है, सबसे शक्तिशाली जनपद का नाम बताना था, वो है आपका वैशाली, वैशाली सबसे शक्तिशाली था। नेक्स्ट देखिए, दलमा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, दलमा अभ्यारण्य पूछा गया था, बिल्कुल नया नाम दलमा अभ्यारण्य, हो सकता है आपने ना सुना हो या कम सुना हो इसलिए कह रहे हैं नया। दलमा अभ्यारण्य कहाँ है, 138 का आपका हो जाएगा, ये देखिए झारखंड में है। ठीक, सी दलमा अभ्यारण्य झारखंड में। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, माई लाइफ किसकी है, ये है आपकी बिल क्लिंटन की आत्मकथा। ठीक है, आपका बी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करता है, वो कौन सा राज्य है, तो ये होगा आपका देखिए तेलंगाना, बीच में है ना, बीच में है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा टच करती है, सिक्किम, ये तीनों राज्य, तेलंगाना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय राज्य को नहीं टच करता है। जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय हैं, सबसे अधिक वलय वाला बताना था, तो क्या होगा, रिंग सबसे ज़्यादा डी शनि ग्रह में है, सबसे ज़्यादा रिंग शनि ग्रह में। नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा शामिल नहीं है, ये है आपका अस्पृश्यता का निषेध, बी ऑप्शन। ठीक, बी शामिल नहीं है, अस्पृश्यता का निषेध। नेक्स्ट, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी, इसके फाउंडर पूछे गए हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय के, तो इसके फाउंडर हैं टैगोर जी, सरल क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था, विश्व भारती महाविद्यालय। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो का 31वां नया सदस्य भी बना है, 31वां सदस्य, वो कौन सा देश बना है, करेंट अफेयर का है क्वेश्चन, देखिए वो फिनलैंड बना हुआ है, नाटो का नया सदस्य बना है फिनलैंड। नेक्स्ट, हाल ही में भारत द्वारा स्वार्थी नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सारणी रडार विकसित किया गया है, उस रडार की विशिष्ट प्रकार क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग पूछा गया है भारत द्वारा, क्या है स्वार्थी, इसका क्या नाम है, तो ये है आपका क्या, हथियार का पता लगाने के लिए इस को लॉन्च किया गया है, डी ऑप्शन है आपका, मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग डिवाइस है, ये डिवाइस का है, बल्कि इसको रडार कहेंगे, ठीक है रडार का है ये, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, होला मोहल्ला एक त्यौहार जो योद्धाओं बहादुरी जीत गौरव और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, एक त्यौहार पूछ लिया गया है, एक त्यौहार एक नृत्य एक जनजाति ये पूछी गई है, होला मोहल्ला
तो ये होला मोहल्ला है आपका, ए ऑप्शन है पंजाब का, ठीक, पंजाब का ये नृत्य है, ये एक त्यौहार है, ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के असुधार विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है, किस अनुच्छेद के तहत, यह है डी अनुच्छेद 142 का वन, 142 का वन। चलिए दो क्वेश्चन और हैं जीके के, जीके करंट के। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र पुरस्कार प्रदान किया था, अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र पुरस्कार मिल, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है किस कार्य के लिए, तो ये देखिए सामाजिक कार्य के लिए, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट, बारा लाचा ला दर्रा निम्नलिखित में किस दो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है, बारा लाचा ला दर्रा ये जोड़ता है आपका ए ऑप्शन, हिमाचल और लद्दाख को जोड़ता है ये दर्रा, ए लिख दे रहे हैं हम। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें हमने आपको बताया था जैसे ये अत्यधिक ताप या दबाव के द्वारा रूपों में परिवर्तित होती है, इस चट्टान का नाम क्या है, इस चट्टान का नाम देखिए है क्या, कायंत्री चट्टान, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक, जो दबाव के कारण या अत्यधिक ताप के कारण इसमें रूप में परिवर्तन हो जाता है उसको क्या कहते हैं, कायंत्री चट्टान। तो चलिए विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन कुछ थे हमने आपको बताए जीके और करंट अफेयर के जो पूछे गए थे 26 तारीख की फर्स्ट मीटिंग में, ठीक। चलिए हम 26 तारीख की फर्स्ट मीटिंग के हिंदी और रीजनिंग भी कवर करेंगे, बने रहिए चैनल पर।